रोहतास पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बने तालाब का लिया जायजा। नवादा में पुलिस ने चलाया संयुक्त अभियान। नालंदा में नल जल योजना के लाभ से दूर लोग, बूंद बूंद के लिए तरसे लोग। मोतिहारी में फांसी लगाने के लिए गेट पर चढ़ा ट्रक मालिक, मौके पर पहुंची पुलिस। भागलपुर में बालू माफिया ने मजदूर पर चढ़ाया ट्रैक्टर, मजदूर की मौके पर हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत रोहतास पहुंचे और सीएम नीतीश ने छात्रावास परिसर में बनाए गए भवन का नक्शा देखा और नक्शे को लेकर संतुष्ट दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा के बारे में भी जानकारी ली। बता दें कि उन्होंने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बने तालाब का भी जायजा लिया, साथ ही छात्रावास का भी उद्घाटन किया। इसी के साथ उन्होंने छात्रावास भवन का निरीक्षण किया और छात्राओं से बातचीत की। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार के विकास कार्य से जनता खुश है। यहाँ पर कोई जो कमी है, कोई दिक्कत है और उसके बारे में सब लोग से भी सारे लोग अधिकारीगण कुछ तो यहाँ भी रहते हैं, कुछ वहाँ रहते हैं, एक एक चीज की जानकारी ले ली जाती है। और हम तो पहले ही कह चुके हैं, एक बार पूरा खरीद लेंगे, उसका दोनों को दो तीन दिन के बाद एक बार फिर पूछ लेंगे कि जितना सबका है आगे क्या हुआ। नालंदा के गिलानी पंचायत के वार्ड नंबर 8 और 9 में दक्षिण टोला में लोग जल योजना के लाभ से दूर हैं, जिसके चलते करीब 250 घरों में नल जल योजना का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते लोग पानी के लिए काफी दूर तक जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग ग्रामीण हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और वार्ड सदस्य भी उस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। इधर ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों को भी इस मामले में सूचना दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो घर में पानी आता था तो वापस चले आना, पहले में गाड़ी ग्लोज करने लगता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि हम जीते हैं तो मतलब हम पटाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, हमारा अंडर में नल जल हमको हम गड़वाए हैं, बोरिंग करा हम अपना पहले। हम इसके दुश्मनी से पैक तक नहीं, चारों गोतिया के अभी तक यही ले है नहीं तो हम इनका पहले दिल को ना पाइपा हमारा पाइप पूरी दिल के है आज तक पानी क्यों पानी तो दूर गए हमेशा खेत पटाता है पानी नहीं देता है आओ की पानी बहुत दिक्कत है कहाँ से लावे जाए बताइए इतना अपना बचल के कहाँ से पानी लावे जाए पानी सुविधा दीजिए खाना दीजिए चाहे पानी तो जरूरत है या गंदा हो नहान हो पीचन हो सभी तो पानी से होता है क्या मतलब पानी यहाँ नहीं आ रहा है क्यों क्यों नहीं आ रहा है जीता बाढ़ से हमें आईबेन किया पानी हम तो बोलेंगे सब आएगा तभी वीडियो सिर्फ सही बोलेंगे कि पानी आईबेन किया तो शिकायत किए हैं बाढ़ से हम कहीं कई बार किए बराबर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं तो बोलता देंगे देंगे खाली देंगे समय बीत रहा। मोतिहारी में वन विभाग कार्यालय पर एक ट्रक मालिक फंदा लगाने के लिए गेट पर चढ़ गया। गेट पर चढ़े युवक को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसको लेकर आम लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि जैसे ही गेट पर चढ़ने की सूचना वन विभाग और नगर थाना का नाकाचार के प्रभारी को मिली, तभी मौके पर पहुंचकर उसे उतारने की कोशिश की गई, लेकिन युवक उतरने का नाम नहीं ले रहा। पद पे हैं आप? हम रेंज अफसर हैं। क्या कारण ये आदमी लटका हुआ है? लटका है देखिए, हम तो महीना पहले अभी किए हैं, इनका सुनते हैं ट्रक पकड़ाया है। तो ट्रक जो है प्रक्रिया दो महीना में आपको कुछ नहीं पता चला? नहीं, ट्रक पकड़ाया यही हम जानते हैं। हाँ, ट्रक पर है लकड़ी। तो ये ट्रक मालिक, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट, जैसा वो कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट वाले ने बुलाया, ट्रक मालिक को नहीं पता। एक बात बताइए कि आप हमको बुलाइए, हम जाएं और कहिए कि इनका गर्दन आप काट दीजिए।
दोषी कौन होगा, हम होंगे कि नहीं होंगे अगर हम काटेंगे तो? अच्छा सर एक मिनट, 13 महीना में से अभी इसका इसका कोई सुनवाई नहीं हुई, अगर ये आत्महत्या कर लेता तो इसका दिमाग कौन होता है सर? ये ऊपर छत पर सर खुद जा रहा है, स्टेटमेंट देने के लिए हम लोग अथी नहीं है। लेकिन इसका ईमानदारी से ड्यूटी कीजिए तो वेतन नहीं मिलेगा, कोर्ट में जाकर काम करता है। अभी हमको गोपालगंज मोतिहारी फीस दे दिया, क्वालिटी कंट्रोल में, पहले गोपालगंज क्वालिटी कंट्रोल में थे, यहाँ कार्रवाई चल रही है। भागलपुर में बेखौफ बालू माफिया ने मजदूर पर ट्रैक्टर चढ़ाकर बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर पुलिस नहीं पहुंची तो परिजन खुद खाट के सहारे शव को घर तक ले गए, जिसके काफी देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वहीं परिजनों ने बालू खनन में पुलिस की संलिप्तता का भी आरोप लगाया है। पूरा मामला सनहौला थाना क्षेत्र के धनोरी नदी का है, वहीं अब पुलिस पंचनामा कराकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार की खबरों में फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा में संदिग्ध परिस्थिति में एक वृद्ध की मौत हो गई। मामला जिले के पावापुरी ओपी अंतर्गत काकरौरिया गांव का है। मृतक होमगार्ड के पद पर तैनात थे। बिहार शरीफ के एक निजी क्लिनिक में सोमवार उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग के खाना खाने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद बुजुर्ग को एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। छुट्टी में घर आए थे, एक आकस्मिक मृत्यु हो गया। अच्छा, तो आप लोग पोस्टमार्टम के लिए आए हैं? जी। कहाँ ड्यूटी करते थे? पटना ट्रैफिक थ्री के पास। अच्छा। के पास ट्रैफिक। क्या थे ये? चालक थे, होमगार्ड। होमगार्ड में चालक। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू कुमार। नवादा के ईओयू और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर वारसलीगंज थाना क्षेत्र के चकवाए गांव से कुल 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त कई सामानों को जब्त किया गया है। साथ ही साथ इनके पास से 3 युवतियों को भी हिरासत में लिया गया है जो दिल्ली की हैं, और उन सभी का सत्यापन किया जा रहा है। इसमें यूयू के द्वारा लीड लिया गया था, तो यूयू की तरफ से एक टीम का लाकर आई थी, उससे मिली थी। उनके पास आज सूचना थी कि कुछ साइबर क्रिमिनल जो है वारसलीगंज थाना क्षेत्र में एक्टिव है।
कि यूयू की टीम के साथ मैंने अपनी टीम का एक ज्वाइंट टीम बनाई, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर साहब, डीएसपी पकड़ी वर्मा साहब, यूयू की जो अपनी टीम थी वो एसएचओ वारसलीगंज और मेरी डीआईयू की टीम ने एक ज्वाइंट रेड किया रात में, जिसमें आसूचना के आधार पर कुल 17 साइबर क्रिमिनल जो है वो पकड़े। बिहार की खबरों के साथ आपसे कल होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर